कटनी में एक युवक का शव खून से लथपथ अवस्था में मिलने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक युवक के शरीर पर धारदार हथियार के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। मामला रंगनाथ थाना क्षेत्र का है। अरविंद वंशकार रात से घर से लापता था। पिता अपने पुत्र की तलाश कर रहे थे। तलाश के दौरान उन्होंने अपने पुत्र के दोस्तों से पूछा तो दोस्तों ने सिर्फ इतना बताया कि वो किसी लड़की के घर जाने की बात कर रहा था। उसके बाद वो कहाँ गया वो उन्हें नहीं पता। सुबह मोहल्ले के लोगों ने अरविंद का शव गड्ढा टोला के ईंट भट्टे के पास खून से लथपथ अवस्था में देखा, जिसकी सूचना लगते ही परिवार और पुलिस दोनों ही घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचे आला अधिकारी CSP विजय प्रताप सिंह ने बताया कि युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिससे उसकी मौत होना फिलहाल दिखाई पड़ता है, लेकिन पूरे मामले की पुष्ट जानकारी वो PM रिपोर्ट के बाद ही दे सके। मेरे बच्चे की दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी। लड़का मेरा बनी मजदूरी जो भी है, जब भी लगता रहा तो करता रहा। और ये मेरे बच्चे की हत्या समझ में आ रही कि लड़कीबाजी के चक्कर में हुई है। कल शाम को 6 बजे करीब घर से निकला तो घर वापस नहीं आया, और 8 दिनों के बीच से अजीब बीमार करके लड़का है, वो बताया कि तुम्हारा लड़का खेरमाई की तरफ गया है। खेरमाई की तरफ गया, फिर वहाँ से दोबारा वो लौटा नहीं। और हो सकता है कि जिनकी लड़की थी उन्हीं लोगों ने मिलकर मेरे लड़के को मार दिया। तो अभी सुबह 6 बजे के लगभग पता चला, मेरा भांजा बताया मुकेश उसको बढ़ता, बोला कि मामा तुम्हारे लड़के के साथ में खून लगा है, तो नाले किनारे भट्टे के पास पड़ा है। तो हम लोग सुबह उठे, दौड़ के आकर देखे तो मेरे बच्चे की लाश। आज सुबह है, अरविंद पिता विजय वंशकार निवासी गड्ढा टोला मरसाई और भट्टा मोहल्ला का शव उसके घर के पास मिलने की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी रंगनाथ नगर द्वारा मौके पर पहुँच के देखा गया। शव के पेट में धारदार हथियार से चोट पहुँचाना पाया गया है, जिसको देख के प्रथम दृष्टया हत्या का प्रकरण होना पाया गया। तो हमारी पुलिस जो है में लगी हुई है, डॉग स्क्वाड साइबर टीम सभी की मदद ली जा रही है। सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए योजना की जा रही है, और हम प्रयास में हैं कि शीघ्र से शीघ्र जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।